हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी स्लीव्स के डिज़ाइन, जो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं घर पर भी। तो देखिए, ये जो ब्लाउज़ की स्लीव्स है उसे भी किस तरह अटैच करते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए, उसको मैंने नीचे की तरफ सीधा करके रख दिया है और ऊपर अस्तर रख दिया है, और इस पर लगा लूँगी एक सिलाई, और सिलाई लगा कर इसे पलटा लूँगी। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे स्लीव्स की तरफ जो है मैंने नीचे सिलाई लगा ली है अच्छी तरीके से, और सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसे पलटा लेंगे। तो इस तरीके से अगर किसी को जो है स्लीव्स में अस्तर जोड़ना नहीं आता तो वो इस तरीके से देखकर सीख सकते हैं। अब मैं इसमें हाथों से अच्छी तरीके से जो अस्तर है उसको सिलाई के यहाँ से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, जिससे सिलाई इसमें अच्छी तरह सेट हो जाए, और इसके ऊपर मैं कोई सिलाई नहीं लगाने वाली। और इसके बाद देखिए, ये अच्छी तरीके से सेट हो गई है। इसके बाद ये चारों तरफ जो है यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से एक और सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को अटैच कर लूँगी, यानी मेरे ब्लाउज़ का फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों को अच्छी तरीके से अटैच कर लूँगी। सिलाई लगाने से फ्रेंड्स ये होता है कि जो कपड़ा हमारा है वो इधर उधर खसकता नहीं है, सेट हो जाता है, उसमें कोई सिलवट भी नहीं आती। इसके बाद देखिए, जो भी स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें स्लीव्स में इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने सारा जो है जो भी एक्स्ट्रा इसका कपड़ा था उसे कट कर लिया है, और ये स्लीव्स जो है हमारी अच्छी तरीके से अटैच हो गई है अस्तर के साथ। अब इसी के ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है रेड कलर का, देखिए ये मैंने लिया है, और इसकी जो है मैंने पट्टियाँ काट ली हैं, और ये पट्टियाँ तकरीबन 3 इंच चौड़ाई की है। आप चाहे तो और पतली या और चौड़ी जैसा आपका इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। छोटी छोटी पट्टियाँ थी क्योंकि कपड़ा भी थोड़ा ही बचता है, तो छोटी छोटी पट्टियों को हम जो है अटैच कर लेंगे, और इसकी एक लंबी पट्टी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है इस तरीके से, और अब इन पट्टियों की हम बनाएंगे डिज़ाइन। सबसे पहले हम जो है इस पट्टी को पहले से मोड़ लेंगे। देखिए, इसे मैंने मोड़ लिया है, और पहले मैं इसमें एक सिलाई लगा लूँगी जहाँ से ये भाग खुला है दोनों तरफ। तो इसमें एक हम लगा लेंगे सिलाई। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी पट्टी पर जो है सिलाई लगा ली है, और अब जो है हम इस पर बनाएंगे छोटी छोटी हमारी फ्रिल। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए पहले तो आपको क्या करना है, नाखून से या फिर प्रेस से आप ये जो पट्टी है उसको अच्छी तरीके से सेट कर लें, जिससे डिज़ाइन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें हमें डालनी हैं पूरी पट्टी पर। आप चाहे तो छोटी छोटी चुन्नटों पर पहले कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, या इन पर पिन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट बनाऊंगी मशीन पर। छोटी छोटी चुन्नटें बनाते हुए जो है हमें हमारी फ्रिल तैयार करनी है। तो देखिए, ये मैंने छोटी 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 बराबर दूरी पर जो है चुन्नट लगा ली हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और क्योंकि ग्रीन कलर की स्लीव्स है तो मैंने इस पर रेड कलर की जो है फ्रिल लगाई है। कंट्रास्ट में अगर आप फ्रिल लगाते हैं तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। देखिए, ये स्लीव्स है ग्रीन कलर में, और इसका ब्लाउज़ का फैब्रिक का जो रेड कलर था उसकी मैं इस पर स्लीव्स लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम स्लीव्स लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए, नीचे मैंने रखा है फ्रिल को, ऊपर रखा है ब्लाउज़ की आस्तीन को, और मैं इसमें अंदर से अटैच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर बाद में हमें अगर फ्रिल का डिज़ाइन या फैशन जब चला जाता है तो हम इसे निकाल भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसे इस तरीके से सेट कर लूँगी पहले, क्योंकि ये जो है हमें बिल्कुल नाप से लगानी है। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी फ्रिल कहीं ज़्यादा चौड़ी दिखे या कहीं पतली दिखे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले आप जो फ्रिल है और जो स्लीव्स है उसे अच्छी तरीके से रख के पहले फ्रिल को सेट कर लीजिए। चाहे तो आप उस पर पिन भी लगा सकते हैं बराबर दूरी पे, और उसके बाद ही आप उसकी सिलाई करें। देखिए, ये जो मैंने फ्रिल लगाई है बिल्कुल एक समान दूरी पे लगी है, आधे इंच की दूरी पे। कहीं भी आपको ऐसी नहीं लगेगी कि कहीं ज़्यादा फ्रिल दिख रही है चौड़ी या कहीं पतली दिख रही है, बिल्कुल एक सी लगी है। इसी तरह आपको भी लगाना है, तो आप उस पर पिन पहले से अटैच कर सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर
और बिल्कुल बराबर चौड़ाई लेते हुए इस फ्रिल को आप स्लीव्स पे इस तरीके से अटैच कर दें। उसके बाद आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी दूरी से एक सिलाई और लगा सकते हैं। देखिए बैक से मैं दिखा रही हूँ, जो थोड़ा सा कपड़ा फ्रिल का जो दिख रहा है उसके ऊपर भी आप एक सिलाई लगा दीजिए, तो फ्रिल भी हमारी जो है अच्छी मजबूती से सेट हो जाएगी और जो ऊपर का फैब्रिक है उसके भी रेशे वगैरह नहीं निकलेंगे। देखिए ये मैंने इस तरीके से डबल स्लाइस पर अटैच कर दी है। तो इस तरीके से आप स्लीव्स की बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आप चाहें तो इस पर कोई लेस भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, और चाहें तो फ्रिल का कोई फ्लावर भी बना सकते हैं। तो देखिए ये फ्रिल वाली जो स्लीव्स है मैंने इस ब्लाउज़ पर अटैच कर दी है। आप इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन मेरे जो वीडियो पर देख सकते हैं, चैनल पर जाइए और देखिए। तो देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है ब्लाउज़ का।